क्या करें यार अली भाई, इतवार का दिन है, बोरियत सी हो रही है यार। यार इतवार बेकार हो रहा है, कुछ कर लेते हैं। हाँ चले यार, कुछ नया नहीं आया मार्केट में? मार्केट में नया तो आया हुआ है, बड़ी जबरदस्त चीज आई है भाई। चलो चले चल के देखते हैं क्या आया हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बस निकलते हैं। क्या पटरियों से चले? हाँ तो फिर क्या कहते, इनको भी दिखा दें क्या? इनको? हाँ हाँ इनको। तो इतनी मेहनत कर किस लिए रहे, इन्हीं के लिए तो रहे भाई। चले फिर इनको भी दिखाते। हाँ चले आप मेरे साथ चले, हमने नहीं देखा इनको भी दिखा देते। हाँ जो अली भाई ने नहीं देखा वो आपको भी हम दिखाते हैं। खुशी खुशी खाना खाएंगे, कलेजी खाएंगे, पाए खाएंगे और बिरयानी खाएंगे, नहारी खाएंगे और मैंने अभी सुना था कि ऊंट भी आ रहे हैं आपके पास। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऊंट के साथ साथ अभी मैं डिक्लेयर नहीं करी, एक बहुत नायाब चीज आ रही है। अच्छा वैसे मुझे एक शिकवा है आपसे, मैं बता दूं? जी जी, इस बार हमें बीवी की चार बातें नहीं सुननी पड़ेंगी ईद पर। दो हिस्सों में हो गई है तार, ये खा गए भाई। अबे ये कौन आदम खोर बकरे हैं, क्या है क्या ये? क्या कर रहे हो भाई? बकरा खा गया, जुगाड़ कर रहा हूँ। ये देखो तो अली भाई समझ गए आप कहाँ लेके आया हूँ मैं आपको। हाँ भाई पता चल गया, मैं आप मवेशी मंडी ले गए रुकैया भाजी के पास। हाँ वो फिर बार बार भूल जाते हो यार, तो उनको तो लेके जाना भूल ही गए। आ जाए हमारे साथ। हम लोग आ गए हैं रुकैया फरीद कैटल फार्म में, मवेशी मंडी जो पहली खवातीन की लगाई गई है सरीना मोबाइल मार्केट के बिल्कुल अपोजिट। तो यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं, पता करते हैं इनसे भी कि इनको ये मवेशी मंडी कैसी लगी। चले मेरे साथ। ये मवेशी मंडी पहली लगाई गई है खवातीन के लिए, कैसा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि ज़्यादातर लेडीज़ की लगी, इस वजह से हम लोग भी आए। जेंट्स में तो जा ही नहीं सकते थे, लेडीज़ की लगी है तो इस वजह से हम लोग का आना भी हो गया। दादी लेडीज़ ने हमारी जो है माशाल्लाह मर्दों के शाना बशाना चलना शुरू कर दिया है, ये अब हम क्या करेंगे भाई। आप लोग सिर्फ पैसा कमाएं और हमें देते रहें। अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। गाय पसंद आ रही है। कौन सी गाय पसंद आ रही है? ब्राउन एंड व्हाइट। अच्छा यहाँ मैं देख रहा हूँ बच्चों को सिर्फ गाय पसंद आ रही है ब्राउन एंड व्हाइट, यार बकरों ने क्या कसूर किया है? बकरे भी अच्छे। दो दांत भाई, ये बकरा गुटखा खाता है मुझे लग रहा है। दांत देखो इसके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करने आए हम लोग यहाँ? मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो ब्लॉगिंग करने आई हूँ। रुको जरा सबर करो, बस एक कमी है यहाँ पे, पिंक कलर का बकरा नहीं है ना, पिंक कलर की गाय है। मेरा तैनब की दुनिया के नाम से है। ये कौन सी नई दुनिया आ गई? मेरी दुनिया है ये। अच्छा ये आपकी अपनी दुनिया शावत नहीं है? अल्लाह। ये लेने आए यहाँ पे देखो। भाई ये बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं, इनको भी बहुत मजा आ रहा है। आप किसके साथ आए हो बेटा? आपके साथ ही आया हूँ। अबे ये तो मेरे साथ ही आया, मेरा बेटा है भाई ये। व्हाइट वाला जानवर पसंद आ गया, कब लेके जा रहे हैं? थोड़े दिन बाद लेके जाएंगे। अगर आपको नहीं, बिल्कुल डर नहीं लग रहा मुझे इससे। आपसे बड़ा और आपसे भारी जानवर है जी? है तो, लेकिन बहुत मासूम है। मासूम तो ये है अभी फिल वक्त मासूम है, अगर बिफर गया तो क्या करेंगी? फिर तो ये भाग जाएगा और मैं अलग भागूंगी। और आप लोग बोलेंगे पैसे से? आप लोगों के लिए आराम है ना? सारे आराम हमें ही मिल जाएंगे कुछ आने वाले दिनों में, सारे आराम हमारे लिए है भाई। एक और नन्ना मुन्ना बच्चा यहाँ मौजूद है जो कि कैटल फॉर्म में आया हुआ है, क्या नाम है बेटा आपका? हमजा। हमजा क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पर गाय देखने आए। अच्छा खाली देखने आए या लेने आए? खाली बस देखने आए थे। विंडो शॉपिंग पे आए हुए? पहला आदमी जिसने हाथ पकड़ाया, वरना आज से पहले कोई हाथ नहीं पकड़ा था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मीरपुर खास से लेके आ रहे हैं, कोई खास जगह है? कौन सी खास जगह? मीरपुर खास से आगे 25 किलोमीटर मीरवा गोरचानी है। मीरवा गोरचानी मीरपुर खास। डर क्यों रहे हो बताओ ना? मीरपुर खास से आगे मीरवा गोरचानी 25 किलोमीटर आगे होगा। समझ में, मेरी समझ में नहीं आया लेकिन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। रुको जरा सबर करो। ओ भाई
मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है मार्केट आ गया है माइक को अली भाई माइक को सही कराने के लिए आए माइक को सही करवाने आए हैं सोल होके चलेगा काम करेगा ये इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है अली भाई अब चेक करना पड़ेगा काम किया है नहीं किया इसने चेक करो हेलो हेलो बस लायक है क्या जुगाड़ कामयाब हो गया भाई जी बहुत शुक्रिया ओके भाई जजा के हो गया अरे भाई ने पैसे दिए नहीं भाई इन्होंने मुझसे पैसे बिला किया शाबाश बेटा देखिए यहाँ पे इस टाइम कितनी सारी ख्वातीन मौजूद हैं यूट्यूबर्स ख्वातीन मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पे आए हैं शॉपिंग करने के लिए वो भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं कहाँ से आए हो बता तो दो देखो कैमरे में नहीं बता रहा भाई नहीं बता रहा दो दांत खस्सी पकड़ लो रस्सी रस्सी नहीं है उस्ताद उसकी तो ये क्या हो गया रस्सी नहीं है गजब बेइज्जती है शहर के बीचों बीच पानी की ये बोतल हमने ली है ये दो घूंट की पानी की बोतल है कितने की है 60 रुपए की 60 रुपए की इस टाइम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ की इस ख्वातीन मवेशी मंडी की रूह रवा ऑर्गेनाइजर रुकैया फरीद साहिबा मैडम अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैडम पहले तो ये बताइए कि आपके माइंड में ये आइडिया कैसे आया जैसे कि आपने सवाल किया कि ये आइडिया कैसे आया ऐसी ख्वातीन जिनका महरम नहीं है और जिनके बाप भाई बैरून मुल्क है उनको बहुत मुश्किल होती थी मंडी जाकर कुर्बानी का जानवर लेने और बहुत सी ख्वातीन तो इस फरीजे से महरूम रह जाती थी तो उनके लिए हमने ये एक फैमिली राइस मंडी ऑर्गेनाइज़ की है जिनका महरम है वो भी आ सकती हैं अपने महरम के साथ और मर्दों का भी फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है कि आपने बहुत अच्छा ये निशेट लिया इस बार हमें बीवी की चार बातें नहीं सुननी पड़ेंगी ईद पर वो अपने मनपसंद जानवर यहाँ से ले सकती है ये बताएं कि अभी और जानवर आना बाकी है जी जी आपको सबको तो पता है तूफ़ान की वजह से थोड़ी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं हमारे पंजाब से जानवर आ रहे हैं वो बीच में हैं अभी देखिए ना अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग इतनी अच्छी है कि कल जो है 50 बकरे एक साथ बिक गए अभी 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 50 और आए हैं उसका भी सौदा हो रहा है मतलब पूरे के पूरे जो हमारे स्लॉट है वो सब खरीद रहे हैं और सारी ख्वातीन जो हैं वो अपनी पूरे ख़ानदान को जमा करके ला रही हैं कि इस दफ़ा कुर्बानी का जानवर लेना है तो यहीं से लेकर यहीं से लेकर जाएंगे वैसे मुझे एक शिकवा है आपसे मैं बता दूं देखिए हम मर्द हजरात जो हैं पहले हम जब घर जाया करते थे ना तो जानवर लेके जाते थे तो वाइफ बोलती थी यार कैसा लेके आ गए हो हम बोलते थे भाई यही है पसंद नहीं आ रहा जाके खुद लेके आ जाओ तो वो वहाँ पे जरा हम सीना चौड़ा कर लिया करते थे अब तो आपने हमारा वो सीना भी जो चौड़ा हम करते थे वो भी खत्म कर दिया नहीं ये देखे ना अभी जो मर्द अप्रिशिएट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे घर की ईद आपने सुकून की कर दी नहीं तो पूरी ईद की कुर्बानी के बाद इतना गोश्त निकला ये हुआ ये हड्डियाँ ये वो तो ये सारी बातें इस दफा ईद पे आपको सुनने को नहीं मिलेंगी खुशी खुशी खाना खाएंगे कलेजी खाएंगे पाए खाएंगे और बिरयानी खाएंगे नहारी खाएंगे और कोफ्ते मटन जो भी आपका कुर्बानी का जानवर होगा सब इंजॉय सुकून से करेगा क्योंकि जहनी सुकून अगर होगा तो ईद भी इंजॉय होगी बहुत जहनी सुकून हो गया है आपकी इस मंडी लगाने से हमें यहाँ पे करते ना एक तो चीज और भी मैंने यहाँ देखी है कि जिस तरीके से नॉर्दर्न पे मंडी लगाई हुई है वो तो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही इस टाइम जो है वो खतरनाक हुई हुई है ये शहर के बीचम बीच है यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मौजूद होते हैं इंतजामिया में सारी ख्वातीन हैं मैं लेट आवर्स में यहाँ पे इंतज़ाम करवा रही थी और इसमें हमें सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की पुलिस की फ़ौज की सबकी हासिल है मैं थैंक्स करना चाहूँगी आपके चैनल के थ्रू क्योंकि अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम यहाँ पे नहीं खड़े हो पाते उनकी बैक सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट आपके साथ है पूरी सपोर्ट हमारे साथ है मैंने अभी सुना था कि ऊँट भी आ रहे हैं आपके पास जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ऊँट के साथ साथ अभी मैं डिक्लेयर नहीं करी एक बहुत नायाब चीज़ आ रही है जो ख्वातीन से रिलेटेड और ख्वातीन के कलर से भी रिलेटेड जैसे ये बना हुआ है ना तो वो देखेंगे आप वेट करें ना अभी से सरप्राइज बता दिया तो फिर फायदा क्या थोड़ा सा कि गुलाबी नस्ल के बकरे आ रहे हैं नहीं नहीं वो आने पर सरप्राइज अच्छा ये सरप्राइज कितने दिन तक रहेगा मजीद थोड़ा सा वो ऑन द वे है तो जाहिर सी बात है 10 दिन पीछे रह गए जी जी तो कितने दिन में एक दो दिन पहले अभी तो चांद दिखने के बाद तो पीक टाइम आएगा अभी तो पीक टाइम आया ही नहीं मंडी का आपको पता है जी जी उसके बाद जो पीक टाइम स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे आप जरूर देखेंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे बाकी जो है वो मेरा चैनल है आर्टिस्ट रुकैया फरीद उसको सब्सक्राइब कर ले तो लाइव कवरेज और इस तरह के सरप्राइजेज जो है हम वहाँ पे अनाउंस करते रहेंगे बहुत शुक्रिया आपने हमें बहुत टाइम दिया आज तक के लिए इतना ही
फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे, नए वेन्यू पे, किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे और अली को इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।